हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और एक्सेल में कभी कभी आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ सकती है जैसी मेरे साथ है। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि हर नंबर के पीछे पहले प्लस 91 लग जाए, तो यहाँ प्लस 91 ऐड करता हूँ और जैसे ही ऐड करता हूँ ये देखिए ये क्या हुआ। यहाँ पर भी ऐड करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे भी प्लस 9 और 1 ऐड किया और जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो ये लीजिए ये प्रॉब्लम तो बहुत बढ़ी। तो अभी इसके लिए करना क्या है, आपको बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा। अब पूरे डेटा को, अब मेरे पास तो इतना ही है, जहां तक आपके में हो पूरे डेटा सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल वन, पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वन जैसे प्रेस करेंगे फॉर्मेट सेल्स वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर आपके पास कंट्रोल वन आप नहीं प्रेस कर रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिएगा तो फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा तो ओपन हो जाएगा। ये कस्टम पे चले जाइएगा और कस्टम पे जाने के बाद जनरल को हटा दीजिएगा। ये जो जनरल है इसको सिर्फ आपको हटा देना है, ठीक है, हटा दिया। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर लिखिएगा प्लस 91, क्या लिखिएगा प्लस 91, उसके बाद से गैप दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार जीरो लिखिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। लीजिए हो गया काम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।